原因是。

और जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और अगले साल आने वाले वर्षों में है जल्दी से जल्दी वो करवा चौथ जरूर मनाएं तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है वेलकम के साथ ही शुरू करते हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका सपना है हॉस्टल वार्डन जिद है हॉस्टल वार्डन बनने की और कम समय में सिलेक्शन तक पहुंचने की तो आप गुरुकुलाइव पॉइंट ओ बेच ये मान लो कि अभी अभी क्लासेस शुरू हुई है इसमें दो सौ घंटे की लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो और न्यू एग्जाम पैटर्न पर पीडीएफ के साथ में वाई चार सो आर कूपन कोड लगाओगे तो ये सात सौ दस रुपए के अंदर आपको कोर्स है वो मिल जाएगा कूपन कोड याद रहे वाई चार आर जरूर लगाना है तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हाँ जी हा करवा चौथ है जो मैं भी डिजिटल करवा चौथ ही मनाऊंगा ना तो देखिए यहां पर क्या बोलना जा रहा है नाउ फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है इट रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इट रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट इट रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ करंट टाइम वर्तमान दिनांक और समय लौटाता है यह वर्तमान तिथि का क्रमांक लौटाता है यह वर्तमान समय का क्रमांक लौटाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं क्या आंसर होगा जी बताइए जनाब फटाफट देखो ये जो नाउ फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है नाउ फंक्शन है वो एम एस एक्सएल का एक फॉर्मूला है एमएसएसएल का ये फॉर्मूला है बराबर नाउ अगर आप यूज लेते हैं ये ये तब ये आपको क्या करता है करंट डेट और करंट टाइम करंट डेट और करंट टाइम है वो आपको यहां पर शो करवाता है करंट डेट और करंट टाइम है वो आपको यहां पर रिटर्न करता है तो करंट डेट और करंट टाइम है वो आपका यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जनाब है ना ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं है ये आपके सीरियल नंबर नहीं देता है देखो अगर केवल डेट के लिए आप यूज लेते हैं तो बराबर में टू डे फॉर्मूला है वो भी आपके केवल डेट के लिए यूज किया जाता है केवल डेट के लिए टू तो सी तो गलत है करेक्ट आंसर क्या होगा ये वर्तमान दिनांक और समय लौटाता है सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आई स्टैंडर्ड है आई की फुल फॉर्म बताइए पहले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आई को जाना जाता है क्या क्या ये सही है क्या बताओ मुझे यस और नो और यहां पर पूछा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी हर किसी चीज के लिए अलग अलग आपके आई नंबर दिए हुए हैं तो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहां पर क्या नंबर दिए गए हैं बताइए बेटा ए तो गलत है आई एसओ ये तो आपके हार्डवेयर को रिलेटेड रिलेट करता है बिल्कुल सही आंसर बताया आपने आई एसओ स दो ऐसे आपको विभिन्न प्रकार के आई एसओ स्ट से वो देखने को मिलेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट यस बिल्कुल सही बताया आपने डी ऑप्शन है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है एम एस की वर्क या फाइल का विस्तार होता है यानी एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर एमएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यस बिल्कुल सही बताया आपने एम एस एक्सएल की वर्क बुक या फाइल का विस्तार है वो क्या हो, होगा जी बताइए जनाब फटाफट आंसर दीजिए देखें क्विकली आंसर दीजिए फटाफट जल्दी जल्दी हाँ ओ एस आई मॉडल को देखो ये तो हर किसी के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं

डाउनलोड कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर है जो आप गमन कर रहे हैं सर जी आप क्लास में कुछ बताने वाले थे आज हाँ वो लास्ट में बताऊंगा मैं करवा चौथ को लेकर के ही है है ना एक उसी को लेकर के मोटिवेशन भी आप आपके लिए है छोटा सा तो बोथ ए एंड भी सर्वर वेरिफिकेशन और वेबसाइट वेरिफिकेशन यानी कि सी ऑप्शन है दोनों के लिए है जो बेसिकली सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का लोकप्रिय प्रकार के रूप में जाना जाता है टवर्कट कनेक्टेड कनेक्ट पीपल विद इन ए कंपनी टू इच अदर एंड टू नेटवर्क ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम को रिलेट करता है आपके यहाँ पर ऐसे नेटवर्क जो कंपनी के भीतर लोगों को एक दूसरे से और कंपनी नेटवर्क से जोड़ने का काम करते हैं वो नेटवर्क किस रूप में यहां पर जाने जाते हैं बताओ बेटा ऐसे नेटवर्क है जो एक कंपनी के भीतर लोगों को एक दूसरे से और कंपनी नेटवर्क से जोड़ने का काम करते हैं <स्थाँ> बिल्कुल सही जवाब इंटर इंटरनेट नहीं होगा उसे इंट्रानेट के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है हिंदी के साथियों के लिए इंट्रानेट के रूप में उसे जाना जाता है इंट्रानेट इंट्रानेट के रूप में उसे जाना जाता है देखो जी नेट होता है ये बेसिकली व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ना व्यापारिक व्यापारिक उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संगठन के बाहर के बाहर के जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा नेट संगठन के बाहर के लोग जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक्स्ट्रा नेट के रूप में जाना जाता है अगर इंट्रानेट को ही संगठन के बाहर कर दिया जाए अगर इंट्रानेट को ही संगठन के बाहर कर दिया जाए तो वो भी एक्स्ट्रानेट के रूप में यहां पर जाना जाता है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ए उत्तर होगा सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता है अगर मान लीजिए सुरक्षित पेडलॉग है यहां पर, पर भी क्या है पेडलॉग है आप देखोगे तो क्या नहीं होता है अगर मान लो सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई पेडलॉग नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में क्या नहीं होता है क्या नहीं होगा बताओ बेटा क्या नहीं होगा दो चीजें नहीं होगी पेड़ लोक भी नहीं होगा देखो एक तो पेड़ लोक भी नहीं होगा पेड़ लोक भी नहीं होगा पेड़ भी नहीं होगा और उसके अलावा एच टी एस भी नहीं होगा ये एस भी नहीं होगा शुरुआत में एच टी एस नहीं होगा शुरुआत में क्या नहीं होगा शुरुआत में अगर मान लो कि कोई भी आपके लोग नहीं है इसका मतलब शुरुआत में एच टी टी पी ही रहेगा ये इनसिक्योर है यह असुरक्षित की पहचान है किसकी पहचान है असुरक्षित की यह किसकी पहचान है यह सुरक्षित की है ये सुरक्षित की है सुरक्षित के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर एस होना जरूरी है है ना सिक्योर नहीं होता है तो यहाँ पर बोत ए एंड बी आएगा बेटा पेडलोग नहीं है इसका मतलब सिक्योर नहीं है अगर मान लो कि एच टी टी पी एस नहीं है इसका मतलब सिक्योर नहीं है है ना नेक्स्ट वन में लेकर के चल रहा हूं फॉर्म ऑफ एच टी ये भी आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे हंड्रेड एंड वन परसेंट ये पूछा जाएगा एच टी टीपी की फुलफॉर्म यहां पर क्या होने वाली है एच टी की बताइए जनाब फटाफट आंसर दीजिए देखें हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर पैकेज या आपके हाइपरनेशन टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोग्राम बताइए बिल्कुल सही उत्तर बताया हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में एसटीडीपी को जाना जाता है यह प्रोटोकॉल के रूप में है वेब प्रोटोकॉल के रूप में वेब प्रोटोकॉल के रूप में बेसिकली इसे जाना जाता है वेब प्रोटोकॉल के रूप में निम्न में से किसे मेलवेयर के रूप में जाना जाता है अगर हम बात करें मेलवेयर तो मेलवेयर की फुल फॉर्म क्या है मेलिसियस सॉफ्टवेयर मेलिशियस प्रोग्राम मेलवेयर की फुल फॉर्म क्या है मेलिसियस प्रोग्राम के रूप में उसे जाना जाता है अगर आपके मान लीजिए मेलवेयर के बारे में पूछा जाता है तो वायरस भी आते हैं स्पाईवेयर भी आते हैं एडवेयर भी आते हैं उसके अलावा हर प्रकार की जो कंप्यूटर के अंदर जो असुरक्षा के लिए जिम्मेद या सुरक, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वो वो सारी सारी की सारी की की चीजें आती हैं वायरस वायरस फुल फॉर्म क्या है 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 ये भी कैटेगरी में 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 रखा जाता जाता इनको सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बुरे के के रूप रूप इसे जाना जाता है। है, वो तो कोड रूप में जाने जाते है। या प्रोग्राम जो इंजन को खोजता है एक वेबसाइट जो कुछ भी खोजती है या एक हार्डवेयर घटक या एक मशीनरी इंजन जो डेटा खोजता है क्या आंसर होगा बेटा यहां पर सर्च इंजन को लेकर के फटाफट आंसर दो देखे जनाब जल्दी जल्दी क्विकली और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दो हर हर महादेव एक मशीनरी नहीं है बेटा सर्च इंजन कौन सी मशीन है धुआं हुआ देती है क्या मशीन ये अरे सर्च इंजन कौन सी मशीन आ गई भाई कोई धुआं हुआ देती है क्या सर्च इंजन ये गलत उत्तर बता रहे हो आप एक वेबसाइट होती है जो आपके क्या हो करती है आपके वेब के ऊपर कुछ भी ढूंढना हो तो बेसिकली इस्तेमाल होती है कोई मशीन मशीन थोड़ी ड्र, -ड्र थोड़ी करती है ये कैसी बातें कर रहे हो आप ना डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है देखो डिनाइल ऑफ सर्विस को डोस अटैक के रूप में भी जाना जाता है डोस अटैक के रूप में भी किसे जाना जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस को जाना जाता है ओवरलोड करता है कंप्यूटर को या कंप्यूटर को टर्न ऑन करता है या ए या बी दोनों या नो गूगल सर्च इंजन है यस देखो जी आपके आपके सर्वर पे या आपकी वेबसाइट के ऊपर एक साथ इतना ट्रैफिक है वो बढ़ा दिया जाए जिससे कि आपका जो सारा का सारा सिस्टम है वो क्या हो जाए क्रेश हो जाए है ना तो यहां पर ओवरलोड करना है कंप्यूटर को ओवरलोड करना है सर्वर को ओवरलोड करना है यह आपके किस रूप में जाना जाता है ऑफ सर्विस फिर वो आगे वाला मना कर दे मैं तो करूंगा ही नहीं आपकी रिक्वेस्ट को है ना एक्सेस करूंगा ही नहीं बात समझ में आई क्या जिन्होंने वीडियो पसंद नहीं की है वीडियो को पहले पसंद करें और बाद में आगे की कार्यवाही करें वॉट इज द फुल फुलीसीपी आई पी फुल टीसीपी आई पी की बनेगी टी सी पी आई पी की फुलफॉर्म में वो पूछी जाती है की फुल आपसे पूछी जाती है भाई बिल्कुल पूछी जाती है हाँ जी जी, हाँ जी जी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोन कॉल प्रोटोकॉल होता नहीं है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता नहीं है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी टीसीपी की खोज किसने की थी पोलो एल्टो कॉरपोरेशन के द्वारा टीसीपी की खोज किसके द्वारा की गई थी पोलो एल्टो कॉर्पोरेशन के द्वारा जल्दी जल्दी आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डेटा माइनिंग रिक्वायर्स डेटा माइनिंग की आवश्यकता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑपरेशन डेटा स्टोर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोस्ट ऑफ टेक्टिकल डेटा सर्वर टेप ड्राइव टू स्टोर आरक्यूएल डेटा या लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर समय की अवधि में बड़ी मात्रा में परिचलन डेटा संग्रहित किया जाता है ढेर सारा समरिक डेटा अभिलेखी डेटा संग्रहित करने के लिए कई टेप ड्राइव या बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग डेटा की खुदाई करनी है एक तरीके से पोलो एल्टो कॉरपोरेशन के द्वारा वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड बारह में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ओप, ऑपरेशनल डेटा स्टोर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल करेक्ट आंसर है समय की अवधि में बड़ी मात्रा में परिचलन डेटा संग्रहित किया जाना चाहिए बेसिकली करने की निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है आप जहां चाह रहे हैं वहां तो ले जाया नहीं रहे हैं जहां आप नहीं चाह रहे हैं वहां आपको ले जाया जा रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर अटैक यू आर टेकन टू अनदर वेबसाइट इंस्टेंट ऑफ द डिजायर्ड वेबसाइट जो आप चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है ना जो आप नहीं चाह रहे हैं वो वहां पर आपको ले जाया जा रहा है तो उसे फिशिंग बोला जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है फिशिंग के रूप में जाना जाता है सेशन हाईजेक है वो तो क्या है कि जैसे आप बेसिकली इंटरनेट यूज करते हैं तो पहले सेशन का कर निर्माण करते हैं तो सेशन हाईजेक के द्वारा बैकडोर जो आपके हैकर्स होते हैं वो एंट्री लेते हैं डीएनएस जो पॉइजनिंग है ये एक तरीके से डोमेन नेम सिस्टम जो नंबर आपकी पहचान है वो गोपनीयता के साथ में खिलवाड़ किया जाए डेटा माइनिंग कैन नॉट बी डन इफ डेटा माइनिंग नहीं किया जा सकता ऑपरेटिंग सिस्टम परिचलन डेटा संग्रहित नहीं किया गया है पहले के प्रबंधन निर्णय उपलब्ध नहीं है संगठन बड़ा है या सभी प्रोसेसिंग केवल बेच प्रोसेसिंग थी डेटा माइनिंग कब नहीं किया जा, जा सकता बताओ बेटा <laughs> जल्दी 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 फटाफट फटाफट सबसे पहले कौन आंसर देगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है है हैकर 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 यूज करते हैं ब्लैक ब्लैक वाले himself, है वो विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे जनाब हैकर है वो आपको विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे elder 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 elder, है, देखो हैकर होते हैं ब्लैक हेट हैकर भी होते हैं जो क्या होते हैं आपके पैसों के लिए सब कुछ करते हैं व्हाइट हेट हैकर होते हैं वो क्या करते हैं आपके व्हाइट एट हैकर हैं वो आपके साइबर एथिक्स को फॉलो करते हैं व्हाइट एट हैकर ग्रे हैकर भी होते हैं ग्रे हैकर क्या करते हैं ग्रे हैकर है वो बिचोली होते हैं वो कहते तो ये है कि हम तो साहब बिल्कुल सही हैं हम तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी गड़बड़ करते हैं है ना तो यहां हैकर को लेकर एक ब्लू एक आपके रेड एट हैकर होते हैं तो रेड एट हैकर क्या करते हैं कोई साथी बताएगा रेड एट हैकर क्या करते हैं व्हाइट हैकर रेड हेट हैकर ग्रे हेट है ना तो रेड वाले क्या करते हैं रेड 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 वाले 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 क्या करते हैं हैं कोई साथी बताएगा रेड़ वाले, रेड़ वाले हैं वो जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर है जो आपके अटैक करने का काम करते हैं है ना अच्छा व्हाइट हेट हैकर ही सीखा है ओके विपक्ष का फोन हैक हो गया विपक्ष कौन है बेटा एथिकल हैकिंग लॉजफुल बिल्कुल तो डेटा माइनिंग कैन नॉट बी डन इफ ऑपरेशनल डेटा हैज नॉट बीन आक्यूड, है ना जब परिचल डेटा संग्रहित नहीं किया गया है भाई स्टोरी नहीं किया आपने डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है तो फिर वो डेटा माइनिंग है वो कंप्लीट नहीं की जाएगी इनमें से कौन सा है जो मेलवेयर का उदाहरण नहीं है मेलवेयर का उदाहरण नहीं है यहाँ पर बताओ बेटा क्या पता भूल गए पहले पढ़े थे सर ओके ओके कोई बात नहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिंक खोजते हैं वो आपके किस रूप में जाने जाते हैं किस रूप में जाने जाते हैं बताओ बेटा रेड एटर रे के रूप में तो देखो मेलवेयर का उदाहरण नहीं है ट्रोजन है 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 आपके आपके वायरस एंटीवायरस तो तो सफाया करते हैं आपके का। ये तो क्या करते हैं हैं का क्या सफाया करने का काम करते हैं सफाया करने का काम करते हैं डी उत्तर आपका सही है निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए किस प्रकार की वेबसाइट के ऊपर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए वेबसाइट हुज एड्रेस डेव एच टीपी टी पी एस होना चाहिए यहां पर जिसके अंदर एच टी टी पी एस नहीं है यानी जो सिक्योर नहीं है और वह वेबसाइट जो पेड लोग के साथ नहीं है तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको अपनी जो पर्सनल जानकारी है वो दर्ज नहीं कर, आ, करनी चाहिए है ना एच टी टी पी एस होना चाहिए एच टी टी पी एस होना चाहिए और उसके अलावा क्या होना चाहिए पेड लोक होना चाहिए उसके अलावा पेड लोक होना चाहिए एच टी टी पी एस होना चाहिए एस भी होना चाहिए और पेड लोक भी होना चाहिए पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था पहला कंप्यूटर वायरस फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था क्रीपर या रेट वायरस या वोम्स या ब्लास्टर कौन सा था जनाब बताओ जी पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर क्रीपर था और इसके लिए एंटीवायरस बनाया गया था वो रीपर था अर्पानेट के अंदर ये पहला वायरस आया था कौन से नेटवर्क में अर्पानेट ट के अंदर पहला वायरस है वो आपको देखने को यहां पर मिला था अर्पानेट के अंदर नहीं था. से कौन सा, सा है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, है, है? क्रिपर कहता था कि मैं क्रिपर हूं मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो क्रिपर ऐसे कहता था चैलेंज करता था आगे वाले को है ना आई एम द्रिपर इफ यू कैन अगर तुम कर सको हिम्मत रख रहे हो तो पकड़ो कैच कैन, है ना? नहीं पकड़ सकते तो फिर मजे करो छोले भटूरे खाओ आराम से, है ना? छोले भटूरे, <laughs> एक समय था तो छोले भटूरे के बारे में क्लास में मैं काफी डिस्कस किया करता था पहले ये आपके अवास्थ है और एवीजी है मैक फ्री है स्वेग है वो नहीं है स्वेग तो खाली अपन दिखाते ही है एंटीवायरस नहीं है स्वेग तो खाली दिखाने का काम भी करते हैं जी है ना कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है कौन करता है बेटा हाँ। से करेंगे सबका स्वागत है ना करो करो बेटा करो है ना स्वागत करने में कहीं ऐसा नहीं है कि जिंदगी निकल जाए है ना और स्वागत कोई दूसरा कर दे है ना समस्या खड़ी हो जाएगी बी ऑप्शन दे रहे हैं है ना कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर इन टू मशीन लैंग्वेज तो वो असेंबलर है असेंबली लैंग्वेज को मशीन में बदलने वाला असेंबली लैंग्वेज को असेंबली को आपके मशीन में बदलने वाला असेंबली को आपके मशीन में, में बदलने वाला कौन है असेंबलर है असेंबलर असेंबलर लैंग्वेज है असेंबलर uh, ट्रांसलेटर है हा गोलगप्पो के बारे में बात नहीं करनी है चलो वो उसके बारे में भी करेंगे किसी रिसोर्सेस को समय के अनुसार अलग अलग प्रोग्राम में बांटा जाए तो वह क्या कहलाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड बताइए मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर या टाइम शेयरिंग क्या होगा आंसर आहा <laughs> समय के साथ में अगर किसी प्रोग्राम को अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो वो समय के साथ में आप बांट रहे हैं इसका मतलब वो टाइम शेयरिंग है टाइम शेयरिंग में आपके अलग अलग रिसोर्सेस को अलग अलग स्लाइस टाइम ऑफ स्लाइस या क्वांट के अंदर है जो डिवाइड किया जाता है तो वो किस रूप में जाना जाता है टाइम शेयरिंग के अंदर कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है कंपाइलर है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द कंपाइलर कंपाइलर भाषा जो है वो कंपाइल की हुई भाषा कंपाइलर के द्वारा बदली हुई भाषा तो कंपाइलर के द्वारा बदली हुई भाषा किस रूप में जानी जाएगी बेटा कौन बताएगा सबसे पहले जल्दी 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 बताओ देखें कंपाइलर के द्वारा बदली गई भाषा लो लेवल लैंग्वेज यानी कंपाइल की भी भाषा है वो मशीन लैंग्वेज के रूप में जानी जाएगी मशीन लैंग्वेज कंपाइलर की हुई भाषा मशीन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइल की भी भाषा थोड़ी है क्या होता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो आप हाई लेवल में कोड लिखते हैं सुनना आप जब लिखते हैं ना कोड जो डैशबोर्ड होता है उसके पीछे कंपाइलर काम कर रहा होता है वो कंप्यूटर को कंपाइल खुद की भाषा भेजता है मशीन भाषा जो कंपाइलर की भाषा होती है है ना जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है कहा जाता है क्या उसको? दो बेल खेत में एक साथ जो, जोत रहे हैं, तो वो आपके हीरा मोती है मशीन में तो चेंज करता है ये तो है जब एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगा दिए जाते हैं दो प्रोसेसर तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के रूप में पैरेलल प्रोसेसिंग के रूप में एनक्रिप्शन टेक्निक नेटवर्क की किसको बढ़ाती है एनक्रिप्शन टेक्निक इंक्रीज डेस ऑफ द नेटवर्क एनक्रिप्शन टेक्निक है वो नेटवर्क में किसको बढ़ाती है बताओ बेटा किसको बढ़ाती है परफॉर्मेंस को रिलायबिलिटी को या सिक्योरिटी को या लोंगेविटी को किसको बढ़ाती है जल्दी जल्दी बताओ बेटा पैरेलल प्रोसेसिंग गुड एनक्रिप्शन टेक्निक है वो आपके सिक्योरिटी को बढ़ाती है किसको बढ़ाती है सिक्योरिटी को हाँ जी सी ऑप्शन गुड वेरी गुड एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है वह किस रूप में जाना जाता है बताओ बेटा तीन ही ऑप्शन है आपके पास में चौथा है ही नहीं <laughs> और गजब का क्वेश्चन है बताओ तीन ही ऑप्शन मिले हैं एक प्रोग्राम ए प्रोग्राम देट एबिलिटी टू इंफेक्टेड अदर प्रोग्राम इन विच कैन स्प्रेड टू अनदर प्रोग्राम बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इट सेल्फ कॉपी कॉपी कौन बनाता है कॉपी कौन बनाता है कॉपी कौन बनाता है वायरस बनाता है वायरसेस कौन वायरसेस ट्रोजन होर से वो कॉपी नहीं बनाते ये दादागिरी से है जो अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर पर कॉपी ओपी कुछ नहीं बनाते ये <laughs> निश्चित पते पर एक यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना किस रूप में जाना जाता है एक ही निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार ईमेल भेजना अरे खान बेटा रिक्वेस्ट करने से बढ़िया है कि आंसर दे दे है ना अब इस आईडी से अगर तू चला रहा है तो कोई दिक्कत आ रही है क्या है अब एक तो ये काम करो आप इनको पहले ब्लॉक करो फिर अनब्लॉक और करो है ना तो इतने में दो क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आएंगे मोटा मैसेज लिखा उससे बढ़िया पच्चीस क्वेश्चन करता तू पूरे सेशन में है? रिक्वेस्ट भी आप अलग जगह ही कर रहे हैं है ना जहां आदमी पढ़ा रहा है तो वहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरे रिक्वेस्ट करने की अलग जगह है कमेंट कर दो जैसे ही उस कमेंट के ऊपर नजर पड़ेगी आपके ठीक कर देंगे वो देखो स्पूपिंग होती है वो तो अलग अलग होती है स्पूपिंग तो अलग अलग होती है भी अलग -अलग पते पर होती है ना तो 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 मुझे बताओ उससे एक ही आदमी मरता है क्या बॉम्ब से कि नहीं सर एक तो नहीं वो तो काफी लोगों को लेते हैं तो यहां एक यूजर द्वारा एक ही ईमेल पते पर भेजा जा रहा है तो वो तो बॉम्बिंग नहीं होगी बात समझ में आई क्या बॉम्बिंग तो क्या होती है एक साथ अलग अलग मेल पर खतरनाक एक ही एक मेल अलग अलग प्रकार के मेल ही मेल आ रहे हैं वो बॉम्बिंग होती है है ना इसे बोलते हैं spamming. इसे क्या बोलते हैं ईमेल स्पेमिंग बोलते हैं बात समझ में आई क्या हाँ। जी 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 ओ माय गॉड अच्छा तो ये थी महत्वपूर्ण तो बातें अब देखो आज है चौथ का दिन है

अगर कोई सीरीज लेना चाहता है तो उसके लिए जो कूपन कोड है वो वाई चार एस है और अगर कोई बेच ले रहा है तो इसके लिए कूपन कोड है वो वाई फोर हंड्रेड आर है कूपन कोड पूरा का पूरा एग्जाम से पहले आपका कोर्स हो जाएगा है ना अब बात करते हैं किसके बारे में करवा चौथ के बारे में है ना करवा चौथ की खुशी में बेच फ्री कर दो हैं <laughs> ये खुशी फिर भारी पड़ जाएगी अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप हमेशा आप में से हर कोई विद्यार्थी है वो अच्छे जीवन साथी का सपना है वो सजोता है अच्छे जीवन साथी की परिभाषा क्या है है ना और हम हमारे भविष्य निर्माण और अच्छे जीवन साथी के बारे में कभी सोचते ही नहीं है आज जो भी जितने भी हमारे कुमारे साथी है तो वो इस विषय के बारे में जरूर सोचें इससे आपको एक अलग एनर्जी और अलग स्फूर्ति मिलेगी आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी है वो ऐसा होना चाहिए या इस प्रकार से है जो मतलब इस प्रकार का मिले और हर कोई चाहता है कि अच्छा जीवन साथी मिले लेकिन अच्छा जीवन साथी कब मिलता है उसके लिए हमें कैपेबल होना पड़ता है हम उस कंडीशन में पहुंच जाए कि हम उनका भी भरण पोषण कर सकें तो उसके लिए आप अपने आप को संवारने सजाने के बजाय मेकअप करने के बजाय अच्छे कपड़े पहनने के बजाय आप अपने भविष्य निर्माण के लिए आपको कार्यरत होना चाहिए आप अपने जो व्यवहारिक गतिविधियां उसमें बदलाव लाए आप अपने जो थॉट्स है ना उस थॉट्स को उस तरीके से क्रिएटिव तरीके से डेवलप करें जिससे कि आप आने वाले समय में एक अच्छा खासा मतलब कैपेबल इंसान है जो बनकर के उभरे समाज के अंदर तब जाकर के जो आप इस उत्सव को अच्छे से मना पाएंगे और ये जो करवा चौथ है वो आपका सफल रहेगा नहीं तो जो अभी इस तरीके की हमारी कंडीशने हैं तो इन कंडीशनों में आधा अधूरा करवा चौथ जरूर मन सकता है तो आप लोग है जो इस चीज के बारे में आज जरूर सोचे हो सकता है कि हमारे इस दिवस से कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप अपने जीवन में आगे आने वाले समय में आपका एक जीवन साथी भी होगा उसकी जरूरतों को भी आपको पूरा करना है मम्मी पापा की जरूरतों को भी पूरा करना है सामाजिक जरूरतें हैं उनको भी पूरी करनी है तो जिम्मेदारियां बढ़ रही है तो ये जो 24 घंटे हैं इन 24 घंटे को आप किस तरीके से मैनेज करें जिससे कि आगे आने वाले समय को आप एक अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाए सोचिएगा जरूर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इसी के साथ इजाजत लेता हूं मैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच धन्यवाद थैंक यू